हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज। और आज हम कुछ सेट के फंक्शन के बारे में देखेंगे जो कि इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि ऐड, पॉप एंड क्लियर। अब जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा सेट होता है वो अनऑर्डर होता है, मीन्स तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपडेट कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड या पॉप या क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हर एक फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे, इसको सेव करेंगे हम कंट्रोल एस। यहाँ से हम कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लेंगे 32 सेट फंक्शंस फंक्शन। अब यहाँ पर एक सेट लेते हैं ए और इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं 1, 4, 5। देन क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो ये इसने हमें क्या कर दिया, हमें ये सेट प्रिंट करके दे दिया। अब ये इसमें हमारे अगर हमें कुछ वैल्यू प्रिंट करनी है या सॉरी इंटर करनी है या ऐड करनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐड फंक्शन। तो यहाँ पर हम ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ए डॉट ऐड, और यहाँ पर मैं डालता हूँ 2। देन फिर अगेन हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमने क्या किया, 2 आइटम। अब ये जब भी आप कोई भी आइटम इसमें इंटर करेंगे, जो हमारा सेट होगा पूरा रीअरेंज होगा, मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरा अरेंज होगा। तो अगर मैं डालता हूँ तो ये प्रिंट करेगा 1, 2, 4, 5। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमें प्रिंट करेगा 1, 4, 1, 2, 4, 5, मीन्स 1, 2, 4, 5, मीन्स ये ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। और अगर हमें कोई आइटम रिमूव करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रिंट पॉप। तो ये क्या करेगा, जो भी सॉरी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐड, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए डॉट पॉप एंड अगेन इसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे ही इसमें क्या करवाएंगे, हम पॉप आइटम करवाएंगे, ये क्या करेगा, जो फर्स्ट आइटम है, जो हमारा फर्स्ट आइटम है, ये रिमूव कर देगा। मींस ये क्या है, ये किस पे बेस्ड होता है, हमारा क्यू पर, क्यू बेस्ड होता है, मींस जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मींस जो आइटम इसमें फर्स्ट ऐड हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। मींस देन एक और हमारा फंक्शन होता है क्लियर फंक्शन, जिसके थ्रू हम किसी भी सेट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे ए डॉट क्लियर, और अगर हम इसको फिर प्रिंट करवाते हैं ए को, तो ये क्या करेगा, हमें क्लियर सेट कर देगा और ये हमें देगा एम्प्टी सेट प्रिंट करके देगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेट एम्प्टी हो चुका है। तो ये हमने कुछ फंक्शन थे, ऐड, पॉप एंड क्लियर फंक्शन, जो कि सेट के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।